बंधन बैंक को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। क्रेडिट गारंटी फंड के तहत बैंक को सरकार से 2500 करोड़ मिल सकते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हां, बंधन बैंक को सरकार से करीब 2500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट से इसलिए क्लेम किया गया था क्योंकि उसने क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स जो सरकार की स्कीम थी उसके तहत माइक्रो फाइनेंस यूनिट्स को कर्ज दिया था और अब उसी के डिफॉल्ट के एवज में सरकार से ये अमाउंट क्लेम किया गया है। इसमें से 920 करोड़ रुपए नवंबर के महीने यानी कि इसी महीने आने की संभावना है और जो बचा हुआ अमाउंट है वो Q1 FY 2024 यानी कि अगले वित्त वर्ष के जून तिमाही में जो बचा हुआ अमाउंट है वो मिल सकता है। जो लेंडर है उसने अपने जो तरीका है लोन देने का माइक्रो फाइनेंस यूनिट्स उसमें स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है और जो भी बोरोवर्स NPA आगे जाके हो सकता है उस पर उसने डिसाइड किया है कि हम वहां पर कोई भी एक्स्ट्रा कर्ज नहीं देंगे। इनफैक्ट ओवरऑल पोर्टफोलियो को जो कि अभी 40% के आसपास है माइक्रो फाइनेंस के लिए उसको 26% तक ले जाना चाहते हैं FY 2025 तक यानी कि 3 साल में करीब 14% एक्सपोजर इस पोर्टफोलियो के लिए वो काटना चाहते हैं और जो लोन है वो बचे रिटेल हाउसिंग फाइनेंस और यहाँ पर अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं। ओवरऑल अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो स्ट्रेस पूल जो इमर्जिंग एंटरप्राइज बिजनेस में वो घटा है इस क्वार्टर जिस जो अभी घटकर 9500 करोड़ रुपए हो गया है जो कि पिछले अगर तिमाही की बात करें तो वो करीब 12100 करोड़ रुपए था।